द लैम हाउस, जैसे इसका एक खूबसूरत नाम है, भेड़िए के बच्चे का घर। यहाँ जलते हुए कोयले कुछ लोगों को तो जला रहे होंगे, लेकिन अभी व्लॉग बाकी है और जलाना भी बाकी है। हम दोस्तों ने आज फैसला किया कि क्यों ना अफ्तारी यहाँ पे की जाए, तो इसलिए हम पहुँच गए इस होटल में। यहाँ पे देखिए खुशबू वगैरह भी काफ़ी अच्छी थी और बकरे भी फ्राई हो रहे थे। तो चलें अंदर से आपको बताते हैं कि अंदर से कितना खूबसूरत है। सिटिंग एरिया इसका बहुत प्यारा था, बहुत खूबसूरत था, जैसे केपी गेम में लोग बैठे होते हैं, तख्त पोश उनको बोला जाता है। बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ था। अंदर भी रूफ सिस्टम बनाया गया था, जहाँ पे आप फैमिली के साथ भी बैठ सकते हैं, बच्चे भी बैठ सकते हैं, खेलने खेलने के लिए जगह भी मौजूद थी। चलें अब देखते हैं मेन्यू की तरफ, कि मेन्यू में इनकी क्या क्या चीज़ें थी। रमज़ान इफ्तार प्लेटर में खजूरें थीं, छोटे समोसे थे, रोल थे, पकौड़े थे, चिकन नगेट्स थे, फ्रूट चाट थी, दही भले थे और शरबत थी। ये चीज़ें हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई क्योंकि इसका ज़रा भी टेस्ट नहीं था। यहाँ पे हमने लैम मखानी कढ़ाई ऑर्डर की, जो 3745 रुपये की बन रही थी। इसमें एक लंबा सा नान था, बहुत ही खूबसूरत किस्म का, और साथ चटनी थी और साथ असल चीज़ होती है इनकी कढ़ाई, जो दुम्बे की कढ़ाई ये बना के देते हैं, ये बेहतरीन कढ़ाई होती है। अब रमज़ान के लिहाज से बिल्कुल मसाले बिल्कुल नॉर्मल थे, मतलब ये कढ़ाई मैंने पूरी अकेले में खाई थी, क्योंकि एक हमने कबड़ी पुलाव भी ऑर्डर किया था, वो कबड़ी पुलाव मेरे दोस्त ने खाया था। मेरी सेहत देख के आपको लगता है कि क्या मैं ये आधा किलो कढ़ाई पूरी खा सकता हूँ। दुम्बे का गोश्त खा के मैं भी काफ़ी एनर्जेटिक हो गया और मज़े लेने लग गया। आदिल जाओ और उसके मुँह पर मुस्कुराहट ना आए और दूसरों को ना सहे, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तो करते करते हमने कढ़ाई कर दी फिनिश, कढ़ाई कर दी खाली। अब हम काबली पुलाव की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मुझसे नहीं खाया जाए, इसलिए मैं वॉक के बाद थोड़ी सी वॉक करना लाजमी थी क्योंकि पेट बहुत फूल गया था। और अभी हम चाय पियेंगे, चाय इनकी चेक करते हैं चाय कैसी है। कड़क चाय के साथ साथ मीठा मीठा गुड़ रख दिया गया, तो फिर तो बाहर ही लग गई। बड़े मज़े की चाय थी। चाय पी के उसके बाद फिर हमने वॉक की, 4709 कदम हम चले। वहाँ से जाके हमने आइसक्रीम खाई और आइसक्रीम खाने के बाद घर चले गए। और उस दिन हमने तरावी नहीं पढ़ी। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।